Hello students, myself Gaurav Mishra from RG Academy. Welcome to another discussion of NTA NEET based practice test, test number 52, which was released today morning, 10th of July. We are going to discuss the questions of chemistry. Coming straight to the point, first question, how many moles of lead chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of PbO and 3.2 gram of HCl. Metal oxide और acid के बीच की reaction एक तरह से acid base reaction है. PbCl2 भी water insoluble है, साथ साथ बनेगा H2O. बस stoichiometry apply करनी है. हालांकि नंबर्स उतने फ्रेंडली नहीं दिखाई दे रहे हैं. मासेस को कन्वर्ट करना है मोल्स में. पीबीओ का मोलर मास 224 ग्राम्स पर मोल आएगा. एचसीएल का मोलर मास 36.5 ग्राम्स पर मोल आएगा. लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा. ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में तो कोफिशिएंट 1 ही है, सेकेंड वाले केस में कोफिशियंट 2 है. 2 से डिवाइड किया तो नीचे 73 आ जाएगा ना 73. तो ये आ गए मोल्स बाय कोफिशियंट रेशियोज. अब अगर इनको कंपेयर करना चाहें तो फर्स्ट वाले नंबर को अपन ऐसे लिख सकते हैं 3.25 अपॉन 112. ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया. अब आप देखिए ये ऊपर वाले नंबर्स ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं. इसका मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो बड़ा होने पर ये क्वांटिटी स्मॉलर हो जाएगी. दिस इज द लीस्ट रेशियो. इसका मतलब PbO लिमिटिंग रिएक्टेंट है. PbO का कोफिशिएंट 1 है, PbCl2 का भी 1 है. इसका मतलब जितने मोल्स PbO के कंज्यूम हो रहे हैं उतने ही मोल्स PbCl2 के बन जाएंगे. मोल्स ही अपन से पूछे हुए हैं. तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है और ये करने पर अपन को वैल्यू सेकेंड ऑप्शन के साथ मैच करती हुई दिखाई देगी. 0.029 मोल्स. आप करके देख लीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन फेयरली रेगुलर क्वेश्चन है. क्वांटम नंबर्स के सेट दिए हुए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है. तो हमें देखना है कि कौन सा सेट जो है वो रूल्स को वायलेट कर रहा है. एन अगर 3 हो तो L0 हो सकता है, L0 तो ML0 हो सकता है. एस तो खैर इंडिपेंडेंट होता है, तो फर्स्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स सही है. सेकेंड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स में एन और एल इक्वल दिख रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है. थर्ड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स करेक्ट है. एन के लिए एल और एल के लिए ML करेक्ट लिया गया है. फोर्थ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स में फिर से गड़बड़ है. अगर एल जीरो हो तो ML-1 नहीं हो सकता. सो दिस इज रॉन्ग. फोर्थ सेट इज रॉन्ग. फिफ्थ सेट इज अगेन रॉन्ग. ML का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी L से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ सेट्स आर नॉट पॉसिबल. सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ विच इज़ क्लियरली विजिबल इन ऑप्शन बी. ईजी क्वेश्चन है, पर इंश्योर करें कि ये गलत ना हो. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मोस्ट नेगेटिव का मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लीस्ट नेगेटिव का मतलब लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बढ़ता हुआ क्रम यहां पर आपको बनाना है. तो ये बताना आसान रहेगा. अगर अपन जनरल ट्रेंड भी फॉलो करें तो ये आंसर हमें मिल जाता है. कैल्शियम के ऊपर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के राइट में आता है एल्यूमिनियम. ठीक है, और उसके भी ऊपर आता है बोरॉन, बोरॉन के राइट में आता है कार्बन, कार्बन के राइट में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के राइट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के राइट में फ्लोरीन. अगर हम जनरल ट्रेंड फॉलो करते जाएं तो भी अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैल्शियम की सबसे कम होगी और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा. और यहाँ पर जनरल ट्रेंड एक्चुअली फॉलो होता है. फोर्थ ऑप्शन आंसर है. फोर्थ क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इसमें आपको चारों ऑप्शंस एक एक करके चेक करने पड़ेंगे.
वैसे थर्ड वाला ऑप्शन आपको इजीली स्ट्राइक कर जाएगा, SeF4 और CH4 का शेप सेम नहीं है, सेलेनियम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके कारण सेलेनियम के पास एक लोन पेयर बच जाएगा इवन आफ्टर हैविंग फॉर्म्ड 4 बॉन्ड्स विद फ्लोरीन एटम्स। तो SeF4 का जो शेप है वो सी सॉ शेप है, जबकि मीथेन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, मीथेन मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, द शेप ऑफ मीथेन इज टेट्राहेड्रल। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मूविंग ऑन, बबल ऑफ वाटर इज अंडर वाटर, जब वो पानी के अंदर है तो टेम्परेचर इतना है, प्रेशर 1.5 बार है। जब बबल सरफेस पर आ गया तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया और प्रेशर 1 बार हो गया। पर ध्यान रहे, टेम्परेचर की एनालिसिस हमें केल्विन में बदल के करनी होगी। वॉल्यूम टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों ही बातें वॉल्यूम को बढ़ाने वाली है। VF अपॉन VI इज TF अपॉन TI, TF इज 298, TI इज 288 इंटू PI अपॉन PF, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। तो ये नंबर आप देखेंगे 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली 1 है, ये वाला नंबर 1.5 है। तो ये जो क्वांटिटी है, अगर अपन ऑप्शंस देखें तो श्योरली ये क्वांटिटी 1.6 के अराउंड होनी चाहिए, अपन इजीली जज कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज गिव्स। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज विथ C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सेल्यूलोज जब हाइड्रोलाइज होगा तो यहां से डी ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, डी ग्लूकोज। तो ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, उसका एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी चेक करनी है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो तो डेल्टा एच के साइन से क्लियर हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ HCO2 एंड H2O आर नॉट इक्वल। CO2 और H2O के कोफिशियंट्स इक्वल नहीं है, CO2 और H2O इक्वल अमाउंट से प्रेजेंट नहीं होंगे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल नहीं होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जहाँ तक KP के एक्सप्रेशन का सवाल है, KP का एक्सप्रेशन डेफिनेटली गलत बना हुआ है। PCO2 अपॉन PCH4 इंटू PO2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वही अपन को मार्क करना है, बाकी आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं वो सही हैं। CH4 और O2 को ऐड करने से रिएक्शन राइटवर्ड शिफ्ट होगी, ये बात भी सही है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। Br2 के बिहेवियर के बारे में पूछा गया है, तो Br2 HOBr में और HBr में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, HBr में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और HOBr में +1 और Br2 में 0। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी, ब्रोमीन का डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। H2O2 के शेप के बारे में एक्चुअली पूछा गया है अलॉन्ग विद द बॉन्डिंग। तो H2O2 का स्ट्रक्चर जो है वो एक बुक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक बुक के दो पेजेस, दो एडजेसेंट पेजेस आपस में एक ऐसे एंगल पर हों जो कि 180 डिग्री नहीं है या 0 डिग्री नहीं है,
वैसे सिचुएशन होती है H2O2 मॉलिक्यूल की, ये दो पेजेस के जंक्शन पर OO बॉन्ड है, ये वाला OH बॉन्ड एक पेज पर है, ये वाला OH बॉन्ड दूसरे पेज पर है, ये मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन प्लेनर होता है, और ये जो दो पेजेस के बीच का एंगल है इसको डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, ये 111 डिग्रीज होता है। तो इसका ये जो शेप है ये एक्चुअली सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हालांकि यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, बट ये बात तो सही है कि H2O2 लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। सी और डी भी डेफिनेटली रॉन्ग है, तो बाय एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस आल्सो वी कैन मार्क ऑप्शन बी। नाइन्थ क्वेश्चन हो गया, टेंथ पर मूव करते हैं। अगेन कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स हैं और उनके फॉर्मूलाज हैं, कॉमन नेम के साथ फॉर्मूला को मैच करना है। तो अगर आपको एक दो स्ट्रक्चर्स का भी, एक दो कंपाउंड्स का भी पता हो तो आप इजीली ये क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। जैसे अपन ने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, और इसी को हीट करने पर उससे वाटर का लॉस होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो कि कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O होता है। बस इतना अगर अपन को पता है तो अपन इजीली ऑप्शन देखकर मार्क कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो सेकंड ऑप्शन के साथ मार्क मैच होगा, और ऐसा आप देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें भी आप याद रख लीजिए, बस सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी पता हो तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। इप्सोमाइट जो है वो हेप्टाहाइड्रेट है मैग्नीशियम सल्फेट का, और कीसराइट जो है वो मोनोहाइड्रेट है मैग्नीशियम सल्फेट का। सो दीज थिंग्स ऑल्सो यू शुड बी नोइंग। 11th क्वेश्चन, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सिलिकेट्स के चेन स्ट्रक्चर में कौन सा एनायन प्रेजेंट है, ये तो आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेम्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन, विच वन इज नॉट इन IUPAC सिस्टम, कौन सा नाम IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो अगर आप चारों नाम्स एक एक, चारों नेम्स एक एक करके एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट नेम है इसके अंदर इथाइल जो है वो पहले आना चाहिए था अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बाकी चीज़ें तो सही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन मेंबर्ड रिंग है, सॉरी सेवन मेंबर्ड चेन है, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल और फोर्थ पोजीशन पर इथाइल आ रहा है। अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते तो फोर्थ पोजीशन पर इथाइल आता और फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल आता, जो कि सही नहीं है। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करना ही सही रहेगा। नाम सही हो जाता अगर अपन इथाइल को पहले लिखते। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैज़ टू बी फॉलोड व्हाइल नेमिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स। 3-methyl-heptane, दैट शुड बी द करेक्ट नेम। अदर नेम्स आर गिवन टू बी करेक्ट। चेन लेंथ सही सिलेक्ट की गई है, नेमिंग भी सही की गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक, तो ये तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। बेंजीन तो एरोमेटिक है, बेंजीन इज एरोमेटिक, दिस इज नेफ्थलीन, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, सल्फर के लोन पेयर के कारण ये थर्ड कंपाउंड भी एरोमेटिक है, लेकिन ये फोर्थ वाला कंपाउंड जो है इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। 14th स्टेटमेंट, पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। अगेन ये थोड़ा सा कंपाउंड्स की नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, पर इसमें आप आंसर मार्क कर सकते हैं अगर आपको एल्काइल सल्फेट, सोडियम एल्काइल सल्फेट के बारे में पता हो। सोडियम एल्काइल सल्फेट को RSO3-Na+ इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें जो डिटर्जेंट वाला पार्ट है जो मिसल फॉर्मेशन करेगा वो एनायनिक पार्ट है, डिटर्जेंट वाला पार्ट एनायनिक पार्ट है, इसलिए ये कैटायनिक डिटर्जेंट नहीं है, एनायनिक डिटर्जेंट है। इसका आंसर डी मार्क होगा, हालांकि आपको फैक्ट्स पता हो तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर HCP, HCP और CCP दो क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसमें हर एटम के नेबरहुड में 12 और एटम्स होते हैं, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 16th क्वेश्चन,
0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सब्सटेंस अलग है, हालांकि ग्लूकोज और यूरिया दोनों ही नॉन डिसोसिएटिंग नॉन एसोसिएटिंग सॉल्यूट्स रहेंगे। सॉल्वेंट अपन वाटर अज्यूम कर रहे हैं। दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ रखा गया, दोनों सॉल्यूशंस को कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशंस कैसे होंगे, आइसोटोनिक। और अगर सॉल्यूशंस आइसोटोनिक हैं तो फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होगा। 17th क्वेश्चन, मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3। Al2O3 के जो इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन है वो एक्चुअली इस गिवन रिएक्शन की ऑपोजिट रिएक्शन है। Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन वो है जिसमें Al2O3 को ब्रेक करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बनाए जा रहे हैं। रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो ΔG0 का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, 827 किलो जूल्स पर मोल हो जाएगा। और ΔG0 की मदद से फिर हम NFe0 फॉर्मूला अप्लाई करके E0 भी इवेल्युएट कर सकते हैं। ये बात भी ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 से 0 स्टेट में जा रहा है, तो एक एल्यूमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। एन फैक्टर क्या हुआ, अपने पास 4/3 एल्यूमिनियम एटम्स हैं एंड ईच एल्यूमिनियम एटम इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो एन फैक्टर हो गया 4। बस यहां से अपन E0 फाइंड करते हैं, ΔG0 इज 827, एन फैक्टर इज 4, F is 96,500। तो ये नंबर अपन को इवेल्युएट करना है, 827, 1930 हो जाएगा ये, उसका भी डबल करें तो 1930 का डबल 3860, 827/386 आ रहा है, 827/386 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.14 वोल्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन लेबोरेटरी आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एब्सेंस में, एंजाइम तो कैटलिस्ट है, उसकी एब्सेंस में अगर रिएक्शन कराई तो रेट ऑफ रिएक्शन जो एंजाइम की प्रेजेंस में आती थी उसका 10^-6 टाइम्स आई। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज, एक्चुअली इस क्वेश्चन में अपन से चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी पूछना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मान लो रेट कॉन्स्टेंट KC है, ln KC इज इक्वल टू ln A माइनस EA इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अपॉन RT, K इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, KC का मतलब रेट कॉन्स्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आरिनियस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ln KC अपॉन K, सब्ट्रैक्ट करने पर ln A कैंसिल, ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगी EA माइनस EAC अपॉन RT सब्ट्रैक्ट करने पर। ln को log में बदला तो 2.303 का फैक्टर लगा, KC अपॉन K की वैल्यू 10^6 है, EA माइनस EAC अपॉन RT। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओरिजिनल रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन वो यहाँ से आ रहा है 2.303 टाइम्स 6 टाइम्स RT। चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अपन से पूछा गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम चेंज कितना आया होगा वो अपन से पूछा है एक्चुअली। तो इस क्वेश्चन में
एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ऑरिजिनल रिएक्शन अपन से पूछा है, जो कि माइनस सिक्स टाइम्स 2.303 टाइम्स आरटी हो जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की जगह चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन होना चाहिए था। सो दैट इज द डिमेरिट ऑफ द क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में अपन से कोएगुलेशन पावर का ऑर्डर बनवाया गया है। कोएगुलेशन वैल्यूज इन मिली मोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द कोएगुलेशन ऑफ AS2S3। तो इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो कोएगुलेशन पावर है वो कोएगुलेशन वैल्यूज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लार्जेस्ट कोएगुलेशन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग कोएगुलेशन पावर सबसे कम होगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग कोएगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो थर्ड वाले कंपाउंड की कोएगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जोन रिफाइनिंग का बेसिस क्या है? जोन रिफाइनिंग का बेसिस ये है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में ज़्यादा सॉल्यूबल होती हैं मेटल के साथ, और सॉलिड स्टेट में कम सॉल्यूबल होती हैं। ठीक है ना? तो ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिस है, ये आप एज अ फैक्ट याद रखते होंगे। 20th क्वेश्चन का आंसर है डी। 21st क्वेश्चन, ये क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। इनमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से जज किया जाता है। पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और हाइपोक्लोरस एसिड में +1 है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, क्लोरीन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, वैसे वैसे वो OH बॉन्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, और जब क्लोरीन OH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। HClO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following species central atom has the type of hybridization which is not the same as present in the other three? So hybridization ki knowledge par based question hai ye. PCl5 mein hybridization sp3d hai, sf4 mein bhi sp3d, i3 minus mein iodine ke around 3 lone pairs hain, central iodine ke around aur 2 bond pairs hain, total 5 electron clouds hain, iska hybridization bhi sp3d hai, lekin sbcl5 2 minus mein sulf, ये जो SB है एंटीमनी, इसके ऊपर एक लोन पेयर भी है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण, तो एक लोन पेयर होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। SbCl5 2 माइनस ही इस क्वेश्चन का आंसर है। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम एंड आयरन आर रिस्पेक्टिवली 24 एंड 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरा मैग्नेटिक विद रिस्पेक्ट टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में सोचना पड़ेगा। सारे के सारे लिगेंड्स जो यहाँ पर दे रखे हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, इसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाले केस में क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन है D2SP3 है, सेकेंड वाले केस में आयरन का हाइब्रिडाइजेशन DSP3 है, थर्ड वाले केस में आयरन का हाइब्रिडाइजेशन अगेन D2SP3 है, फोर्थ वाले केस में भी क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 है, लेकिन यहाँ पर क्रोमियम के पास 3D सबशेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बच गई 2 डी ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में काम आती हैं, और इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक, ये आयन पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स डज दिस मॉलिक्यूल हैव? तो यहाँ पर आपको स्टीरियो सेंटर्स जज करने पड़ेंगे। एक तो ये डबल बॉन्ड है और एक ये कायरल सेंटर है, 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं। और एंड पर सिमेट्री भी नहीं है, इसका मतलब 2^2 आइसोमर्स बनेंगे, 2^2 स्टीरियो आइसोमर्स, 4 स्टीरियो आइसोमर्स।
दो जो है ना वो सिस एल्कीन के साथ बनेंगे, जैसे सिस आर, सिस एस, फिर दो ट्रांस के साथ बनेंगे, ट्रांस और आर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस और एस कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से चार बनेंगे। 25th स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पहले फिनॉल का जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराया, ऐसा होने पर फिनॉल रिड्यूस हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एल्काइलेशन करवाया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उससे टॉलुइन बन गया, फिर एल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाया, बाद में एसिडिफाई भी कर दिया, ऐसा होने पर जो एल्काइल ग्रुप बाहर दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगी। तो ये डूएबल क्वेश्चन है। 26th क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्सेस, तो ये जो ऑक्सलेट आयन है ये बायडेंटेट लिगेंड है और ऐसे तीन लिगेंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो तीन लिगेंड्स हैं जो कि बायडेंटेट हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल क्या हो गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम गिव्स, वीकली एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, जैसे HNHCl या FeHCl के साथ रिडक्शन, ऐसा होने पर अपन को एनिलीन मिलता है, ठीक है ना। अगर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम रहता तो पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन मिलता, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में ये मिलता, लेकिन वीकली एसिडिक मीडियम में एनिलीन ही मिलेगा। 28th क्वेश्चन, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। 29th क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होता है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स जॉइन सम स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक NH3, H2O एटसेट्रा विल गेट रिमूव्ड, और ऐसा कंडेंसेशन पॉलीमर है नायलॉन 6,6। ये एडिपिक एसिड और हेक्सेन डायअमीन, हेक्सेन डायअमीन का पॉलीमर है, और यहाँ पर जब ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन पर वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है और सी डबल बॉन्ड ओ एन एच बॉन्ड फॉर्म होता है। इसको अपन बोलते हैं नायलॉन 6,6। दिस इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। 30th क्वेश्चन, गैमेक्सीन, गैमेक्सीन क्या है, बेंजीन के क्लोरीनेशन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ जब बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड्स हट जाते हैं, हाइड्रोजन तो एक एक पहले से ही था, अब 6 क्लोरीन एटम्स भी लग गए, और इसी कंपाउंड को अपन बोलते हैं गैमेक्सीन। बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी इसका नाम है, हालांकि इसको बेंजीन कहना एक मिसनोमर है, इसका एक दूसरा नाम लिंडेन भी है। बेंजीन कहना मिसनोमर इसलिए है क्योंकि अब आफ्टर क्लोरीनेशन ये बेंजीन रिंग तो नहीं बची है। 31st क्वेश्चन, एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर अपन 100 ग्राम कंपाउंड कंसिडर करें तो कार्बन 38.71 ग्राम्स, हाइड्रोजन 9.67 ग्राम्स और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 38 प्लस 9 इज 47, 47 प्लस 1.33 48.33 जस्ट अ मिनट, इन दोनों को ऐड करना है, 48.33
47 प्लस 1.33 48.33, 100 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 51.67 रफली ये आ रहा है, 51.67। बस उसके बाद हमें नंबर्स को इनके एटॉमिक मासेस से, इनके मोलर मासेस से डिवाइड करना है। तो करिए 38.71 को 12 से डिवाइड करें, 9.67 को 1 से डिवाइड करें रफली, और 51.62 को 16 से डिवाइड करें। ऐसा करने पर फर्स्ट वाला नंबर 3.22, सेकंड वाला नंबर 9.67 और थर्ड वाला नंबर अगेन 3.22 आ रहा है। ये आ गए मोल्स। इनका अगर सिंपलेस्ट रेशियो लेना हो तो साफ तौर पर दिख रहा है कि मोल रेशियो 1:3:1 होगा। हैंस द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH3O। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़े एटम्स जो हैं वो कार्बन एटम्स हैं। कार्बन से ऑक्सीजन का साइज छोटा है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन एटम का साइज फर्दर छोटा है। सबसे बड़े एटम्स कार्बन एटम्स हैं, उनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सिर्फ इतना देख कर भी हम ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही दिखाई दे रही है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगी, ठीक है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने के कारण। 33rd क्वेश्चन में हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के कोरिस्पॉन्डिंग रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है। तो जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है वो तो H प्लस और OH माइनस के कॉम्बिनेशन की रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो डेफिनेटली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O की रिएक्शन तो नहीं है। थर्ड वाली रिएक्शन में CO2 इन्वॉल्व हो गया, फोर्थ वाली रिएक्शन में C2H2 इन्वॉल्व हो गया, तो ये वाली रिएक्शंस भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शंस नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपको कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है और 1 मोल बनाना है। ये बात मैं सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड वाले केस में दिखाई दे रही है। तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन जो है वो -X2 हो जाएगा, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में दिखाई देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ बफर। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, बस इतना ही आइडेंटिफाई करना है। और ये आप क्लियरली देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन में है। HNO2 अपने आप में एक वीक एसिड है, HNO2 वीक एसिड है और NO2 माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस है। Na प्लस pH न्यूट्रल है, ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन से बफर बनेगा। 35th क्वेश्चन, अगेन आपको चारों ऑप्शंस एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। इनमें कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है, कहीं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है, पर एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए, जो साइक्लोहेक्साइल अमीन है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड है। इस वजह से ये लोन पेयर H प्लस एक्सेप्ट करने के लिए उतना अवेलेबल नहीं है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में साइक्लोहेक्साइल अमीन आगे निकलेगा। हालांकि बेंजामाइड की बेसिक स्ट्रेंथ कम है एनिलीन से, बट एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम है साइक्लोहेक्साइल अमीन से, तो सेकंड वाले केस में ऑर्डर गलत दिया हुआ है। 36th क्वेश्चन में आप देखेंगे कि चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जिनमें से 2 एल्काइन्स हैं, एक एल्केन है और एक एल्कीन है। कंपाउंड 3 को रेस्ट ऑफ द कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना है। कंपाउंड 3 के बारे में जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि एक टर्मिनल एल्काइन है, कंपाउंड 3 इज अ टर्मिनल एल्काइन, और ये जो टर्मिनल एल्काइन्स होते हैं इनका हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, और एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल अगर अपन करें तो फिर अपन थर्ड कंपाउंड को बाकी कंपाउंड से अलग बता सकते हैं।
ब्रोमीन के साथ तो एल्कीन्स और एल्काइन्स दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, एल्कलाइन KMnO4 के साथ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी जो कि एल्कीन्स और एल्काइन्स दोनों की होगी। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर सॉल्ट सिर्फ थर्ड वाला कंपाउंड बनाएगा जिससे एक वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलेगा। दिस वुड बी द वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट। तो ये फोर्थ वाला जो टेस्ट है वो थर्ड वाले कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने में काम आएगा। 37th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस दोनों तरफ है, उसका प्रेशर दोनों तरफ इक्वल है। एक कंपार्टमेंट में एनोड साइड में HCl प्रेजेंट है और कैथोड साइड में एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हैं लेकिन इस सेल का EMF जीरो नहीं होगा। दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हैं, दोनों तरफ के प्रेशर्स इक्वल दिख रहे हैं लेकिन फिर भी सेल का EMF जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि HCl और एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ में फ़र्क है। एसिटिक एसिड लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस करेगा, HCl ज़्यादा नंबर में हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस करेगा और वो हाइड्रोनियम आयन्स ही सोल्यूशन का EMF डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन डी। 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस। अब एनायन बनाने की टेंडेंसी तो डेफिनेटली नॉन मेटल्स में ज़्यादा होगी। आप देखिए फर्स्ट वाला सेट मेटल्स का है, सेकंड वाला सेट भी मेटल्स का है, फोर्थ वाला सेट भी मेटल्स का है। सिर्फ इतना देखकर भी हम इजीली बोल सकते हैं कि थर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स में एनायन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। 39th क्वेश्चन, यहाँ पर शिप के प्रोटेक्शन की बात की गई है। जिस तरह से हम गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर डिपॉजिट करते हैं, कोट करते हैं आयरन के ऊपर, उसी तरह से आयरन से बनी हुई शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टिन की प्लेटिंग करते हैं, वाइट टिन की प्लेटिंग। तो यहाँ पर टिन का सेक्रीफिशियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब टिन अपने आप को ऑक्सीडाइज करवाएगा टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन फ्रॉम अकरिंग। तो 39th क्वेश्चन का आंसर बी है। 40th क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज को एक बार ध्यान से पढ़ें। देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय अ कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट दो इट इज कायरल। कंपाउंड को कायरल बताया गया है फिर भी वो कंपाउंड एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब निकल सकता है? ध्यान रहे इसमें जो आंसर दिया हुआ है, गिवन आंसर जो है द कंपाउंड इज सर्टेनली मीजो, ये आंसर सही नहीं होगा बिकॉज मीजो कंपाउंड्स आर अकायरल। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपाउंड कायरल है जबकि मीजो कंपाउंड्स अकायरल होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। देर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, ये तो ऑब्वियसली रूल्ड आउट है। यहाँ पर ए कायरल को कंबाइंड वे में लिखना चाहिए अकायरल, कंपाउंड इज सर्टेनली अकायरल, ये बात भी हम नहीं मान सकते। जब क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड कायरल है तो यहाँ पर अकायरल बोलने का क्या मतलब है? द कंपाउंड मे बी अ रेसिमिक मिक्सचर, ये एक वैलिड पॉसिबिलिटी लगती है। रेसिमिक मिक्सचर होने पर जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है अगर उसमें एनेंशियमर्स इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट हैं तो उनका मिक्सचर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। इवन दो कंपाउंड्स पोलर हैं लेकिन ओवरऑल मिक्सचर, इवन दो कंपाउंड्स कायरल हैं लेकिन ओवरऑल जो मिक्सचर है वो अकायरल हो जाएगा। रेसिमिक मिक्सचर इज एन अकायरल मिक्सचर ओवरऑल बट द कंपाउंड्स आर कायरल। तो 40th क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए। 41st क्वेश्चन में इथिलीन ऑक्साइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाई गई है। इथिलीन ऑक्साइड ये होता है एपॉक्साइड या ऑक्सीरेन जिसको कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो एक बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग होती है। R- इस रिंग के कार्बन एटम पर अटैक करेगा, रिंग ओपन हो जाएगी और उसके बाद जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो अपन को एक 1 डिग्री अल्कोहल
यहाँ से मिलने वाला है प्राइमरी अल्कोहल, नॉट सेकेंडरी अल्कोहल। ये कार्बन 1 डिग्री है, इस वजह से ये अल्कोहल भी 1 डिग्री है। 42nd क्वेश्चन में आप देखें, HCN की रिएक्शन करवाई गई है एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये कंपाउंड प्लेनर है, ये कंपाउंड प्लेनर है, और इस पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड आयन। पहले तो इस कंपाउंड का एसिडिफिकेशन हो जाएगा इस कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन पर, फिर साइनाइड आयन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा इस कार्बन पर, और वो जो अटैक है वो इस कंपाउंड के प्लेन के ऊपर से भी हो सकता है, कंपाउंड के प्लेन के नीचे से भी हो सकता है। दोनों जो साइड्स ऑफ अटैक हैं वो इक्वली फेवरेबल हैं। क्योंकि दोनों साइड्स ऑफ अटैक इक्वली फेवरेबल हैं, इसलिए यहां पर अपन को पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स मिलने वाले हैं, पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स इक्वल अमाउंट्स में, बिकॉज बोथ पार्ट्स ऑफ अटैक ऑफ साइनाइड आयन आर इक्वली प्रोबेबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकेंड आयन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं और ओवरऑल डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट पूछा है। ओवरऑल डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट तो इंडिविजुअल डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स का सिंपली प्रोडक्ट होता है, जो कि आ जाएगा 5 × 10⁻¹⁵. तो ये तो इजी क्वेश्चन था। 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन। या तो डायरेक्ट एलिमिनेशन कराएं या फिर पहले HBr से रिएक्ट कराएं फिर एलिमिनेशन करवाएं। तो इस क्वेश्चन को तो अपन ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। प्रोपीन की HBr से रिएक्शन कराने पर एक्चुअली साइक्लोप्रोपेन की HBr से रिएक्शन कराने पर साइक्लोप्रोपेन की रिंग ओपन हो जाती है, और फिर एलिमिनेशन अगर अपन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस से तो यहाँ से प्रोपीन अपन को मिल जाएगा। एलिमिनेशन कराने पर प्रोपीन मिल जाएगा। सिमिलरली डी वाले कंपाउंड से भी प्रोपीन मिलेगा, बी से भी HBr से रिएक्शन कराओगे तो पहले यहाँ Br लग जाएगा, फिर एलिमिनेशन कराएंगे तो फिर से प्रोपीन मिल जाएगा। तो ए बी और डी से तो प्रोपीन मिल ही रहा है, बचा ये कंपाउंड जिसको अपन कीटीन कहते हैं, इसकी HBr से रिएक्शन कराने पर अपन को अल्टीमेटली प्रोपीन ऑप्टेन होगा ऐसा नहीं है। और वैसे भी बहुत सिंपल है इसको डिसाइड करना, इसमें 3 कार्बन ही नहीं है, इसमें 2 कार्बन है, तो प्रोपीन बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 45th क्वेश्चन, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। साइनाइड्स जो होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और अगर अपन 1 मोल लें तो फिर वो कीटोन बनाएंगे, 2 मोल अगर लेते तो 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते थे, पर 3 डिग्री अल्कोहल किसी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब कीटोन पर ही प्रोसेस रुक रही है। दिस इज द कंपाउंड पी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टेस्ट पेपर। एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा डिमेरिट है, ओवरऑल पेपर ये वाला थोड़ा ईजियर साइड पर ही मुझे लगा। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं वो 150 मार्क्स तो इसमें स्कोर कर सकते हैं। 150 मार्क्स कैन बी कंसिडर्ड अ प्रिटी गुड स्कोर इन दिस टेस्ट पेपर। होपफुली आप सबने अच्छा किया होगा और आपको ये सोल्यूशंस भी समझ में आए होंगे। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट पेपर के सोल्यूशंस में।